हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डब्बू की दुनिया किटो की मस्ती। और आज पूरा दिन इतना बिजी रही मैं सुबह से लेकर अब तक, तो फिर तब मिली है ये है देखो, बहुत अच्छे से काफ़ी लोग आने वाले हैं। छोले बन के तैयार हुए हैं, ये आलू गोभी, ये कढ़ाई पनीर, ये मैंने बनाया है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये मैंने बनाया है, ये मम्मी ने बनाई है, ये खुद ही मैंने हाथ से बनाई है। और किचन की हालत बद से बदतर हो रही है, इतना बुरा हाल है यार, इतना मतलब दिख नहीं रहा होगा बस इतना गंदा हाल है ना, चिप 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 चिप। और तो राइस बन रहे हैं, अब फाइनली चीज़ है कि राइस बन रहे हैं, खाना बन चुका है ऑलमोस्ट, बस राइस रह गए हैं। इनकी कटिंग भी की जाएगी सैलेड की, और यहाँ इनका क्या करना है, इनको फोड़ना है बस, हैप्पी बर्थडे मनाना है अभी करते हैं बस। और ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया, नहीं डब्बू नहीं फूट जाएंगे, ना 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 बेटा प्लीज, हमारी मेहनत पे पानी मत फेरो मेरा बच्चा प्लीज। किसका आविष्कार मैंने किया है, वन। और यहाँ मैच चल रहा है, एक ये बनाया मैंने, और ये देखो मेरा सुंदर सा घर, कितना सुंदर लग रहा है मेरा घर, वाओ। मैं आफ्टर और बिफोर वाली, ये बर्थडे बैनर है जो कि फूल के रख दिया गया है, ये आ गई सीढ़ी पूरा तैयार करने के लिए। वो सब हेल्प करवा रहे हैं, सब फूलने वाले हैं। ये देखो, ये बताना मुझे कैसा लग रहा है। और थोड़ा रूम में अभी डब्बू सो रहा था, डब्बू सोकर उठा है, तो अभी इसकी बेडशीट वगैरह मैं भी चेंज करूंगी, खुद को भी चेंज करूंगी अच्छे से बन के। किट्टो को मैं आज सिंड्रेला बनाने वाली हूँ, किट्टो को तो मैंने दिखाया ही नहीं, किट्टो का बर्थडे है। किट्टो ये शोन परी खुश हो रही है, किट्टो बच्चा मेरा। चलो अब करते हैं डेकोरेशन, इनको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ मम्मी राइस बना रही है, पानी चढ़ाया, हम उबले हुए वाले राइस बनाने वाले पसमा, क्योंकि ज़्यादा राइस में पानी का थोड़ा हो जाता, फर्नीचर भी कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे तो ख़राब हो गए थे, पानी ज़्यादा हो गया था। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी, सफाई भी हो रही है साथ ही साथ। चलो बनाते वीडियो बाद में, वीडियो बनाओ ना प्लीज आईफोन से। ये देखो ये किट्टो है, सब में सुंदर सुंदर किट्टो, गुड़िया। तो फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, मैं चाहती हूँ मेरी ड्रेस दिखा दो, हम तैयार हो गए। मैं किट्टो को दिखाती हूँ, किट्टो 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 मित्तो तैयार हो गई, देखो देखो प्लस ना नहीं है, बस प्लस ना नहीं है, बनाई नहीं वीडियो, बना रही हूँ मैं तो तसल्ली से। ये देखो डब्बू किट्टो के बर्थडे पार्टी में सब आए हैं, किट्टो की बुआ, किट्टो के फूफू, चाचू, कैमरा तो खराब ही है। Oh,
बर्थडे के पिकनिक पर आप ही क्या बनता है। जब सब थे तब तो मैंने बनाया नहीं, पता नहीं क्यों शर्म आती है, है ना? कोई ब्लॉग में आना पसंद करे नहीं करे। मम्मी अब खाना खा रही है, क्या खा रही है? रसगुल्ले खा रही है। अच्छा, खाना नहीं खाओगी? चलो, किट्टो भी सो गई थककर बेचारी की लस्कर। हमारी डेकोरेशन ये भैया है, ये देखो मेरी किट्टो रानी सो गई, मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, मेरी चिड़िया पलक झपकते के साथ इतनी बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। सबसे बड़ी बात कि किलसी नहीं थी, घूम रही थी, नींद आ रही थी तो थोड़ा सा किलसी थी, पर इतनी अच्छे से घूम रही थी, कहाँ इसको कोई लेता है तो ये रोती है। घर में घूम रही थी, इसके साथ खेलो, हंस रही थी देख कर, पर गोद में मत लो, हंस रही थी। इतने सारे गिफ्ट आए हैं, एक ये रहा बड़ा पैकेट, इसमें है इनकी बुआ जी लाई हैं, इनकी कैनी मैम, साहिल सर। तो अब किट्टो तो सो रही है, किट्टो को तो मतलब ही नहीं बनता कि हाँ, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता गिफ्ट खोलने का। किट्टो की एक चाची देकर गई है किट्टो के लिए कंगन, दोनों हाथ में 3 चांदी की। अरे वाह, ये चांदी की पायल है, ब्रेसलेट है जिसमें दिव्यांशी लिखा है, और ये गोल्ड की रिंग है जो इनके दादाजी बोलते हैं, जीतू के हाथ दादू लगते हैं इनके, वो देकर गए हैं। पायल है, भैया देकर गए हैं। वाओ, सच में बहुत बहुत प्यारे गिफ्ट हैं, मेरे को पता भी नहीं, मैंने उनको थैंक यू भी नहीं बोला, कल बोलूँगी। और वहाँ पर इतना सारा ढेर लग रहा है गिफ्ट का, जिनको मैं अभी बाहर भी रखे हैं, बहुत सारा सामान है, और डब्बू बाहर है, वो किट्टो को उठा देता इसलिए उसको बाहर भेज दिया। अभी मैं अनपैकिंग करती हूँ इन सबकी। रात डब्बू बहुत बिजी था और अब डब्बू को होश आया, दिन हो गया, बहुत बुरी हालत थी, थकावट थी। ये देखो किट्टो के गिफ्ट, ये खुद ही खोल देगा डब्बू किट्टो का। ये आपका तो है ना रेड वाला, ये पिंक वाला हमारी बेबी का है,
पर बेबी चलाएगी नहीं बेटा, मत खोलो ना प्लीज अभी।